महीने से बच्चे अपने घर में बैठे थे, वहाँ शिक्षा ले रहे थे, लेकिन अब सरकार ने कोविड-19 के हिदायतों को देखते हुए 11 महीने के बाद स्कूल खोले हैं और 6ठी से 8ठी तक के बच्चे कल 1 फरवरी से स्कूल में आना शुरू हो गए हैं। और अब जगह हम सरकारी स्कूल में पहुंचे हैं, महेंद्रगढ़ के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर पहुंचे और यहां देखा कि बच्चों की संख्या तो कम है लेकिन स्कूल प्रशासन पूरी तरीके से कोविड-19 के हिदायतों का पालन करते हुए यहाँ स्कूल को खोल रहा है। सभी बच्चों को डिस्टेंस में बैठा कर इन बच्चों की पढ़ाई करवाई जा रही है। हमारे साथ स्कूल प्रबंधन के बहुत से लोग मौजूद हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपने व्यवस्थाएं की और कितनी स्ट्रेंथ है स्कूल में बच्चों के, कितने बच्चे आ रहे हैं। सुशील जी, सबसे पहले तो मैं आपका और आपकी टीम का स्वागत करूंगा कि आप हमारे स्कूल में आए। 1 फरवरी से सरकार के आदेश, डिपार्टमेंट के आदेश स्कूल खुलने के हुए, उससे 2 दिन पहले ही यानी शनिवार और रविवार को हमने पूरे न केवल रूम्स को बल्कि पूरे कैंपस को सैनिटाइज करवाया है और हर एक जगह को बिल्कुल सैनिटाइज करवा करके, और बच्चों को भी जब कल हमारे पास लगभग 40% की हाजिरी थी, आज लगभग 50% आसपास है। टोटल 6 से 8 हमारे पास 162 बच्चे हैं जिनमें से 72 बच्चे आज उपस्थित हैं और 9 से 12 हमारे पास 372 हैं जिसमें 80% बच्चे हमारे पास उपस्थित हैं। पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। ये थे सुरेंद्र जी, इन्होंने बताया कि 50% बच्चे 6 से 8 तक आज पहुंचे हैं। कल जब पहले दिन स्कूल खुला था 40% बच्चे थे और जो 9वीं से 12वीं तक है वो 80% के लगभग स्ट्रेंथ आ रही है। और टीचर मौजूद हैं, हम इससे भी जानना चाहेंगे कि दिनेश जी किस प्रकार से स्कूल में व्यवस्थाएं हैं। स्कूल में पढ़ाई के सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी व्यवस्था की गई है, सभी टीचर्स को टाइम टेबल दिया गया है, सभी टीचर अपने अपने पीरियडों को नियमित रूप से ले रहे हैं। क्या यहाँ कोविड-19 के पालना हो रही है? कोविड-19 के सभी रूल को फॉलो किया जा रहा है, सभी बच्चे मास्क में आ रहे हैं और पूरे कैंपस को सैनिटाइज किया गया है। जैसे जो बच्चे मास्क नहीं लगा के आ रहे हैं उन बच्चों को मास्क स्कूल की तरफ से प्रोवाइड, जो बच्चे मास्क अगर नहीं लगा के आते हैं तो स्कूल में यहाँ पे काफ़ी मास्क रखे हुए हैं लेके, उनको स्कूल की तरफ से मास्क प्रोवाइड करवाए जाते हैं। अगर कोई बच्चा घर से मास्क नहीं लगा के आता है तो स्कूल प्रबंधन द्वारा उन्हें मास्क प्रोवाइड करवाया जाता है और उसके बाद बच्चों को क्लासरूम के अंदर भेजा जाता है। हमारे साथ बहुत से बच्चे भी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अब कितने दिन के बाद स्कूल में लौटे हैं तो इनको कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे 11 महीने स्कूल बंद थे और हम आज स्कूल में आए हैं। क्या नाम बेटा तुम्हारा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जो प्रेरणा थी जो 8th कक्षा में पढ़ती है, इन्होंने बताया कि 11 महीने के बाद लौटे हैं तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा आपका नाम, एक बार खड़े होंगे, क्या नाम बताया? कैसा लग रहा है इतने दिन बाद स्कूल लौटे हैं? क्या आपको पढ़ाई में मन कर रहा है? ये सभी बच्चे हैं, इनका मानना ये है कि इतने दिन के बाद स्कूल के अंदर लौटे हैं तो इनको पढ़ाई के प्रति भी इनकी ज़्यादा इच्छा कर रही है। अब देखना ये बच्चे कितना पढ़ते हैं और कितने दिन का सेशन बचा हुआ है, इस सेशन में बच्चे कितना कमाल दिखा पाते हैं।